नमस्कार, लोकहित के आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को लिए देखते रहिए हमारे न्यूज चैनल को और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें। दंडोरा धाम में साक्षात विराजमान है संकट मोचन भगवान हनुमान जी महाराज। भिंड मुरैना भिंड के बीच में पड़ने वाले दंडोरा धाम मंदिर में साक्षात भगवान हनुमान जी महाराज विराजमान है। यह बने इस भव्य मंदिर में हजारों लोग हर मंगलवार व शनिवार को अपनी मनोकामनाएं लेकर भगवान हनुमान जी के यहाँ आते हैं और यहाँ भी एक चमत्कार देखिए, दूसरे व तीसरे मंगलवार को उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और जो लोग किसी पीड़ा से परेशान होते हैं उनकी पीड़ा और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। प्रसिद्ध मंदिर में हजारों श्रद्धालु कई राज्यों से जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, सूरत, मुंबई जैसे बड़े राज्यों से आते हैं और दंडोरा धाम में आकर अपनी इच्छा पूरी करने की विनती हनुमान जी महाराज से करते हैं और भगवान हनुमान जी महाराज उनकी इच्छाओं को पूर्ण भी करते हैं। इस मंदिर की एक और अत्यंत चमत्कारिक घटना चौंकाने वाली है। मशहूर है यहाँ कैंसर के पीड़ित लोगों का इलाज स्वयं भगवान हनुमान जी महाराज करते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति यदि हनुमान जी महाराज की परिक्रमा कर 5 मंगलवार का या शनिवार को लगातार आए, भगवान हनुमान जी उनके इस कष्ट को भी जड़ से समाप्त कर देते हैं। ऐसे ही 2-3 चमत्कार हमारी टीम के सामने आए। हमारी टीम ने जब इस मंदिर में जाकर बाहर से आए लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि कई डॉक्टर ने हमें कैंसर घोषित कर दिया था, मगर जब हमें हमारे परिवार जन यहाँ इस मंदिर में भगवान हनुमान जी की शरण लाए तो 5 मंगलवार या शनिवार को भगवान हनुमान जी के दर्शन पर परिक्रमा की और वापस उन्हीं डॉक्टर चेकअप कराया तो बड़ी हैरानी वाली बात सामने आई। जिन डॉक्टरों ने कैंसर बताया था वहीं डॉक्टर इन मरीजों को एकदम स्वस्थ होने की पुष्टि करते नजर आए। यह चमत्कार नहीं तो क्या है, यह साक्षात चमत्कार भगवान हनुमान जी के दर्शन से हुआ है। वास्तव में इस दंडोरा धाम में साक्षात ईश्वर ही विराजमान है। कहाँ से आए आप लोग? ग्वालियर से आए हैं हम। हाँ, बस गाड़ी का। क्या 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 परेशानी थी इनको? इनमें गले, इनको गले का कैंसर हो गया था जी, और ग्वालियर में रिपोर्ट कैंसर की आई थी जी, तो एम्स में लेके गए दिल्ली जी, और हनुमान जी पे हमने अर्जी लगाई जी, और बोल दी थी भंडारा बोल दिया था यहाँ जी, चोला बोला था, उसके बाद इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, ठीक हो गई है बिल्कुल एकदम, मतलब नॉर्मल। ये है आपकी माता जी? रहने वाले हो? हम गमूरी के। अच्छा, ये बताइए किस देवता का मंदिर है? हनुमान जी सरकार का। तो इस मंदिर की विशेष क्या बात है, इस मंदिर की विशेषता क्या है? ये हनुमान जी की इतनी सच्ची कला है, ये तो अच्छे अच्छे काम करती है। अच्छा, घोड़ा, फुंसी, कैंसर। अच्छा, यहाँ कहते हैं वो 5 जात करने की बात मनोकामना पूर्ण, सही बात है क्या? वो कौन सी 5 मनो, मतलब परिक्रमा करने के बाद या 5 जात करने के बाद यहाँ मनोकामना पूर्ण होती, सत्य बात है? मनोकामना पूरी होती है जो अपन बोलती है जी, सच्चे मन से वो काम पूरा ही होगा। कहाँ से यहाँ यात्रा, मतलब मंदिर में दर्शन करने कब से आ रहे हैं आप यहाँ? मंदिर में दर्शन करने तो बहुत टाइम से आ रहे हैं, लेकिन अभी है ना हमारे भाई है छोटा, उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी गांठ वगैरह की जी, तो हमको बहुत लोगों ने बताया कि डॉक्टर हनुमान जी है, आप 5 मंगलवार आइए तो अच्छा हो जाएगा, तो हमने सोचा चलो देखते हैं, थोड़ा विश्वास तो कम था लेकिन हम आए, और हमने आए और जो 5वां मंगलवार क्या तीसरे चौथे मंगलवार पे ही आराम हो गया बिल्कुल, तो पूरा विश्वास हो गया, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं और हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं और उनकी कृपा ऐसी ही बनी रहे। अच्छा, आपको फायदा मिला? हाँ। रुपए जी, आप कहाँ से आए? ग्वालियर से। आप यहाँ कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? 5-6 मंगल हो गए मेरे को। तो यहाँ ये बातें बताई जा रही हैं क्या सही है? बिल्कुल सही है, एकदम सही। मैं क्या है, मेरी इतनी स्थिति खराब हो गई थी तो जीना पर चढ़ ना पाता था मैं जी, अब मेरे को इतना प्रभु के पास है, हनुमान जी के पास आया कि मेरे को सही पर ही हो जाऊँ, जाने पड़ता सही में। बहुत सुनाया कैंसर के रोग भी मरीज भी ठीक हो जाते हैं, सुना तो है, सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है, हनुमान जी की बात है। कौन सा स्थान है और किस जगह पर है ये स्थान? सरकार की जय। धाम की जय। ये स्थान जो है भिंड जिले के महंगा तहसील में चंद्रगुआ धाम है, यहाँ पास में ही चिरोल है, घमरी है, कड़कोली है, मरदोली है, इनके बीच में बसा है,
भाई हनुमान जी 600 वर्ष पहले एक छिपे हुए थे जी, एक चबूतरा था तो यहाँ हमारा गांव बसा था। हमें एक कुलपुरी क्रोध थे कि हमारे यजमान थे, उन्होंने खुदाई करवाई हम साथ में यार 600 वर्ष पहले खुदाई करवाई। खुदाई करने में आकाशवाणी हुई, आवाज आई, थोड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य हुआ तो ज़्यादा खुदा गया तो हनुमान जी मूर्ति मिला गया, तो सारे गांव के मिल करके मूर्ति निकलवाया। संवत 2015 अक्षय तृतीया का ये मुहूर्त ये हनुमान प्रतिष्ठा कराई गई। प्रतिष्ठा कराने के बाद में यहाँ विशाल भंडारा किया गया। भंडारे में एक व्यक्ति को दर्द हो गया, उधर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ तो हमारे यहाँ जो हमारे यजमान थे प्रसिद्ध रूप में अभी भी यहाँ रहते हैं, उन्होंने उस पर उठा करके एक 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 शाला में थे तो दूध दे दी तो ठीक हो गया। तब से ही यहाँ का नाम दर्द हरुआ, दर्द हर इसका अर्थ है दामन दया दामन दान अगुआ मन आप कि भागवत में निकले तीन दा, तो दुधा तो हनुमान जी के पास में है। दामन दया दामन दान अगुआ मन आओ या दया दान बटरा ले लें तो यहाँ छूट है। हमारे महाराज जी यहाँ सन 1998 में आए थे, जब कुछ नहीं था, गड्ढा था, गड्ढे में हनुमान जी थे, आस पास तालाब था, तालाब पानी भरा रहता था, गर्मियों तक सूखता नहीं था। उनका नाम तलैया तलैया कहते थे, बेटा और तलैया तलैया वाले बाबा तलैया वाले बाबा। इसी इसी हिसाब से जो है उन्होंने भी यहाँ रुक गए। रुकने के बाद उन्हें यहाँ विकास होना शुरू हो गया। पहले लोग चना और गुड़ चढ़ाते थे, उस समय भी यहाँ हनुमान जी का कोई भी आस पास कोई घोड़ा होता था तो हनुमान जी का इनाम दिया जाता था। घोड़ा ठीक था महाराज जी, यहाँ जी इतनी भीड़ है केवल मंगल शनिवार को ही रहती है कि सातों दिन रहती है? वैसे तो मंगलवार को विशेष रहती है, यहाँ दर्शन नहीं हो पाते लोगों को, शनिवार को विशेष रहती है, लेकिन अन्य दिनों में 20,000 से ज़्यादा आदमी नृत्य आते हैं। यहाँ कितनी जातें करने पर जातियों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है महाराज? हनुमान जी हमारे इतने दयालु हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे राम जी की 4 प्रतिमा लगाते हैं प्रसन्न होते हैं, देवी हनुमान जी 5 लगाते हैं, देवी की 1 लगाते हैं, शंकर जी आदमी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शंकर जी तो हैं, शंकर स्वयं कृष्ण नंदन है हनुमान जी, यहाँ तो आदि प्रतिमा लगाने से प्रसन्न हो जाते हैं। और कोई अगर रामायण बोल दे, चोला चढ़वाना बोल दे, कैसा भी कठिन काम हो हनुमान जी उसको पूरा करेंगे। अरे भाई मैं बंद कर लूँ ना 2 मिनट को, कैसा भी कठिन काम हो पूजा करते हैं। वैसे विशेष रूप से हम 5 मंगलवार कराते हैं और 5 मंगलवार श्रद्धा से विश्वास से भाव से करते हैं, तीसरे मंगलवार को इनको लाभ होना शुरू हो जाता है और 5 मंगलवार उसकी कार्य सिद्धि हो ही जाती है। धन्यवाद।